जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था विश्वसनीय शिक्षक पुन्हा एकदा सिद्ध इतिहासाची पुनरावृत्ती 100% HSC रिझल्ट इन 2022 27 सक्सेसफुल रिझल्ट इन JEE 2021 49 सक्सेसफुल रिझल्ट इन MHT CET 154 सक्सेसफुल रिझल्ट इन नीट अप टू 2021 विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा 12वी IIT JEE नीट MHT CET आजच आपली सीट निश्चित करा. संपर्क जनता करियर लॉन्चर केयर ऑफ जनता BEd कॉलेज सिव्हिल लाईन चंद्रपूर वेबसाइट www.jclchandrapur.com कॉन्टॅक्ट नंबर 777-001046. होटल रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अनुचित व्यापार व्यवहार और सर्विस चार्ज लगाने के संबंध में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की है. इसके मुताबिक होटल या रेस्टोरेंट खाने के बिल में डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे. किसी अन्य मद में भी सर्विस चार्ज की वसूली नहीं की जा सकेगी. यानी होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से अब सर्विस चार्ज नहीं वसूल करेंगे. इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक वैकल्पिक और ग्राहक के विवेक पर रहेगा. सर्विस चार्ज के कलेक्शन के आधार पर ग्राहकों पर सेवा के प्रावधान और प्रवेश को लेकर किसी तरह पाबंदी नहीं लगाई जा सकेगी. पीड़ित ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर या उसके ऐप से शिकायत कर सकते हैं. यह हेल्पलाइन वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में काम करती है. अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत हो सकती है. CCPA द्वारा जांच और कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर से शिकायत या ccpa.com ccpa@nic.in पर ईमेल से भी शिकायत भेज सकते हैं. अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ. किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट छोटा बाजार चौक चंद्रपुर. पश्चिम बंगाल में बंगाल इमाम एसोसिएशन मुसलमानों को एहतियात के तौर पर किसी भी अनजान व्यक्ति को मांस बेचने से मना किया है. यह प्रतिबंध बकरीद के मद्देनजर लगाए गए हैं. यही नहीं, एसोसिएशन ने फेसबुक इंस्टाग्राम पर किसी भी तरह की तस्वीरें भी पोस्ट करने से मना किया है. यह कदम उदयपुर की घटना के बाद उठाए जा रहे हैं और इसका सीधा आरोप BJP पर लग रहा है. बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यामा ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 10 जुलाई को हमारे यहाँ ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा. मैं पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय से इस मामले में सतर्क रहने का अनुरोध करना चाहता हूँ. भारत में वर्तमान स्थिति के रूप में एक विशेष पार्टी देश की शांति को नष्ट करने की कोशिश करती रहती है. सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान के उदयपुर में महज 2 से 3 दिन पहले की घटना है. जिस व्यक्ति पर हमला किया गया है वह उस पार्टी का सदस्य था और जिसने उसे मारा वह भी उसी पार्टी का सदस्य था. उन्होंने खुद योजना बनाई और अब वो पूरे देश में रैलियां और सभाएं कर रहे हैं. हमें सतर्क रहना होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है. उनकी साजिश नहीं चलेगी. कुर्बानी वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि किसी अनजान व्यक्ति को मांस न दें और यदि आप उनको मांस देते हैं तो उसकी एक तस्वीर क्लिक करना सुनिश्चित करें और उस व्यक्ति का विवरण भी लें. मांस लेकर इधर उधर यात्रा न करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानवरों की तस्वीरें अपलोड न करें. उन्होंने कहा कि इस तरह के फोटो और वीडियो अपलोड करने वाले लोग अल्लाह की नजर में पापी हैं. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी. होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट. साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन. शादी पार्टी बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. जोमैटो स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर
बुरटकर सभागृह के बाजू मारुति शोरूम के पास नागपुर रोड चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186 9322899635। जो लोग स्कूटी चलाते हैं उनके लिए एक बहुत अहम खबर है। दरअसल उन्हें अपने वाहन के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने की जरूरत है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जुर्माना यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर लगेगा। नए यातायात नियमों के अनुसार स्कूटी के लिए 23,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस चीज के लिए कितना चालान कट सकता है। यदि कोई भी यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे चालान भरना ही होगा। नए यातायात के जो नियम है उनके अनुसार स्कूटी के लिए 23,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना स्कूटी चलाता है तो 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। वहीं बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र के ड्राइविंग पर भी इतना ही जुर्माना लग सकता है। यदि कोई व्यक्ति बीमा के बिना वाहन चलाता है तो उसे 2,000 रुपये चालान देना होगा। इसी तरह वायु प्रदूषण मानक तोड़ने के लिए 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट ड्राइविंग के लिए भी 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यह कुल मिलाकर होते हैं 23,000 रुपये। यदि आप इन जुर्मानों से बचना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। आपको बता दें कि पहले वाहन चालान राशि कम थी मगर सितंबर 2019 में नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए जिसके साथ ही चालान राशि भी बढ़ाई गई। उस समय नियमों का पालन नहीं करने के कारण एक बकायदा व्यक्ति का 23,000 रुपये का चालान काटा गया था। स्कूटी मालिक का कहना था कि उस समय उनकी स्कूटी की कीमत ही 15,000 रुपये थी। मगर जरूरी यह है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। मजे की बात यह है कि गाड़ी चलाते समय लोगों को फोन पर बात करने की अनुमति है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक फोन पर बात करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं काटेगा। अगर इस मामले में आपका चालान कट जाए तो इस फैसले को आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। नियमों के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर अपने फोन पर बात करता है तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने लोकसभा में दी थी। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए एलिवेट इंस्टीट्यूट। JEE, NEET और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक चंद्रपुर।